Hi friends, this is Manish Kumar Singh and happy Teachers Day to all of you. This video is dedicated to all the teachers. और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 5 सितंबर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, जो कि एक महान विद्वान और शिक्षक थे और अपनी बाद की लाइफ में वह इंडिया के उपराष्ट्रपति बने, इसके बाद दूसरे राष्ट्रपति बने थे। पूरे देश के स्टूडेंट्स आज ही के दिन को टीचर्स को प्रमोट करने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए ये चीज़ बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे माँ बाप एक बच्चे को जन्म देते हैं, वहीं टीचर उसके चरित्र को आकार देकर उज्ज्वल भविष्य को बनाते हैं। हमें हमेशा अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए और हो सके तो उनसे मिलने भी जाना चाहिए, जैसे कभी मौका मिला तो। हमारे माता पिता हमें प्यार और गुण देने के लिए जिम्मेदार हैं, उसी तरीके से हमारे टीचर्स अपना पूरा भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। वो हमें अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से हमारे जीवन में शिक्षा के महत्व को अवगत कराते रहते हैं। अगर हम टीचर्स की बात करते हैं, जैसे तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, आप कहीं कोई चीज़ सीखने जाते हैं, जैसे आपके डांस टीचर हो गए, आपके मार्शल आर्ट टीचर हो गए, आपके म्यूज़िक टीचर हो गए, गिटार लेसन लेने जाते हैं वो टीचर हो गए, आप जहाँ पे अपने वर्क प्लेस में जहाँ काम कर रहे हैं जो मैनेजर हैं, वो मैनेजर भी आपके एक तरीके के टीचर ही हैं, जो आपको सब कुछ समझाते हैं कैसे कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, तो उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी एक जो बंदा है जो इतना काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने 7-8 साल 10 साल देता है या 25 साल देता है, शुरू के कुछ ईयर्स में वो भी अपने लिए कुछ सीखता है। और किससे सीखता है? अपने बड़ों से सीखता है, अपने मैनेजर से सीखता है, अपने कोवर्कर से सीखता है। तो एक्चुअली में आप जिससे जो भी चीज़ सीखते हैं तो उसको अपना एक गुरु ही समझना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि चलो हमने उससे सीख लिया, वो तो हमसे छोटा है या वो हमसे वैसा है या वो हमारी जाति में नहीं है। तो इन चीज़ों में कोई भी जातिवाद हमें नहीं लाना चाहिए, हमें एज ए गुरु के ऊपर हमें उसको मानना चाहिए। और हमें जो भी चीज़ कहीं से भी सीखने का मिलता है, हमें उससे उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो का मेरा बनाने का बस यही मकसद है कि हम प्यार से रहें, अपने टीचर्स को बहुत मानें, उनके बताए हुए नियम का पालन करें और जो भी हमें जो भी कुछ सिखाता है उसके प्रति सम्मान की भावना रखें। और हो सके तो आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वो आप दूसरों को ज़रूर बांटें। बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ये नहीं है कि आपके पास इतना सारा ज्ञान है और आपने ये बोला कि नहीं मैं अपना ज्ञान किसी और को क्यों दूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपना ज्ञान आप किसी और को भी देंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा ही, क्योंकि कभी ना कभी वो इंसान आपको इंट्रोड्यूस कराएगा कि हाँ मेरे एक टीचर ने या मेरे फला एक दोस्त ने ये चीज़ बताई थी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर मेरे किसी भी फ्रेंड का कोई सजेशन है कि उसके थीम पर कोई वीडियो बननी चाहिए तो आप ज़रूर मेरे को बताएं, या किसी बच्चे के टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं बहुत अपना आभार प्रकट करूंगा कि मतलब मैं उस बच्चे के टैलेंट को प्रमोट कर सकूं और उसकी हेल्प कर सकूं अपने फेसबुक पेज और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मेरा यूट्यूब चैनल मनीष आर्ट्स आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।